हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीबीएस बीम का। किस बीम का? इस बाउंड्री वॉल में जो हम लोग इतना 14 नंबर ऑफ बीम प्रोवाइड करने वाले हैं ना, इस सारे बीम में जो हमारा स्टील लगने वाला है, वो स्टील कितना लगने वाला है वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और स्टील का क्वांटिटी निकालना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप अपना घर खुद से बना रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्टील कितना लगने वाला है और कितना नहीं लगने वाला है। इससे क्या होगा कि आपको अगर पता नहीं होगा तो आप स्टील क्या करोगे, ज़्यादा लेके चले आओगे या कम लेके चले आओगे। तो ज़्यादा लेके आओगे तो आपका वेस्टेज ज़्यादा होगा, कम लेके आ जाओगे तो आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाएगा। आप फिर से वापस लाने जाओगे तो आपका गाड़ी का भाड़ा हो गया, बहुत कुछ, आपको मैन पावर जो आपको उठा उठा के ला के आपके घर तक डालेंगे उसका वेस्टेज, आपका चार्जेस बढ़ जाएगा। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आप जो घर बना रहे हो, आपका जो बाउंड्री वॉल बन रहा है घर के चारों तरफ, उसमें जो स्टील लगेगा वो कितना केजी लगने वाला है, ताकि आप सही तरीके से खुद से निकाल के आप उसको मंगा सको। ठीक है, तो आज हम लोग बात, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लो, क्योंकि मैंने लास्ट दो वीडियो में मैंने बताया था कि फुटिंग में कितना स्टील निकालने वाला है और इस कॉलम में टोटल मेरा कितना स्टील लगने वाला है वो बताया था। अब इस टोटल बाउंड्री वॉल में जो बीम जितना है, उस टोटल बीम में मेरा कितना स्टील लगने वाला है वो मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका बाउंड्री वॉल है, ये है आपका टोटल 13.25 मीटर और ये है आपका 10 मीटर। ठीक है, और ये यहाँ पे ओपनिंग मैंने रखा है, बट नीचे तो बीम आएगी ही। अगर इसका सेक्शन देखोगे तो ये सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए, ये इसको ऐसे रख दूँ मैं, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 कॉलम है, ये 5 कॉलम आप देख रहे हो। ठीक है, बीच में इस ये प्लिंथ बीम है आपका, एक्चुअली ये प्लिंथ बीम वाला, इसके ऊपर में ये ब्रिकवर्क खड़ा होने वाला है। ठीक है, इस ब्रिकवर्क खड़ा होने वाला है, तो हमें जानना होगा इस बीम के अंदर जो स्टील आएगा वो कितना आएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप क्या करोगे, ये कॉलम है, हम लोग साइड पे क्या करते हैं, साइड पे जब हम लोग कोई स्लैब का कॉलम ऐसा जाता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये स्लैब है। ठीक है, ये स्लैब है आपका, ये कॉलम जा रहा है, तो हम लोग इस बीम का स्टील क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, फिर इस बीम का स्टील क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अलग अलग करते हैं, कंटिन्यू रहता है तो कंटिन्यू ले आते हैं। यहाँ पे मैंने स्टील जो डाला है पूरा सेम डाला है। ठीक है, अगर आपको डिटेल्स जानना है तो वो भी मैंने वीडियो बनाकर डाला था, पर बता देता हूँ। ये प्लिंथ बीम का, देखिए प्लिंथ बीम का साइज है 250 बाई 250, जो स्टील डलेगा, ये टॉप का 2 बार जो है ये मैंने 12 का पकड़ा है, और नीचे का 2 बार जो है वो मैंने 10 mm डाय का पकड़ा है। ठीक है, और स्टीरअप पकड़ा है यहाँ पे 8 mm का, 200 सेंटीमीटर सेंटर। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर, आप बीम में ऊपर का जो डाया है, ऊपर का जो बार है उसका डाया ज़्यादा क्यों पकड़े हो और नीचे का कम क्यों पकड़े हो, जबकि ये हालांकि उल्टा होता है। इसका भी रीज़न मैंने बताया है, आप जाके मेरा जिसमें मैंने रेनफोर्समेंट डिटेल्स बताया था उसमें पूरा डिटेल से बताया था कि क्यों ये रीज़न है। ठीक है, तो जाके देख लो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये पूरा पैनल को काट कर बाहर निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, देखिए 13.25 मीटर का ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये पूरा पार्ट को मैं काट के यहाँ निकाल दिया हूँ। ठीक है, और इसमें मैं बीम स्टील डालूंगा, तो ये जो स्टील डालूंगा ये कैसा डलेगा, जरूर ऐसा डलेगा। ठीक है, ये टोटल है मेरा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, 13.250 मिलीमीटर, जिसमें यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम है, और देखिए कितना कॉलम है, ये कॉलम है, ये वाला कॉलम यहाँ पे आ रहा है, ये कॉलम यहाँ पे आ रहा है। अब जो स्टील डलेगा ना, वो स्टील कुछ इस तरीके से डलेगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, मतलब इस कॉलम के अंदर घुसेगा लास्ट में और इस कॉलम के अंदर घुसेगा लास्ट में। तो आप जानते हो बीम से जो स्टील ऐसे जाके अंदर कॉलम में घुसता है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा आपका डेवलपमेंट लेंथ होता है। ठीक है, आप ये जानते हो, ये डेवलपमेंट लेंथ होता है। तो हमें लेंथ एक्चुअली में चाहिए, ये टोटल 13.250 नहीं, इसमें हम लोग इधर से कॉलम का ये माइनस कर देंगे, कॉलम का ये वाला माइनस कर देंगे, तो हम लोग जानते हैं कॉलम मेरा 250 बाई 250 का है, 250 बाई 250 का। तो देखिए मैं एक एक करके पहले बताता हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, टॉप बार निकालेंगे। तो पहले हम लोग टॉप बार पे आते हैं। टॉप बार में हम लोग कौन सा स्टील यूज कर रहे हैं, 12 mm का स्टील डाया यूज कर रहे हैं, 2 ठो। ठीक है, 2 स्टील यूज हो रहा है यहाँ पे, 1 2।
ठीक है, मेरा वीडियो थोड़ा लंबा होता है उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं छोटा से छोटा चीज बताता हूँ और एक चीज मैं बार बार रिपीट करता हूँ। ये आप लोग का एक कंप्लेन है कि मैं चीजों को बार बार रिपीट करता हूँ। रिपीट इसलिए करता हूँ कि ताकि आप लोग बार बार एक चीज को जब सुनोगे ना, तो आप लोग उस चीज को, वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ। तो उसके लिए मुझे सॉरी कीजिएगा, मैं, मेरा ये आदत ही है। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 13,250 mm। इसमें मैंने देखो कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा, बीम का जो स्टील है ना, देखिए इसमें जो स्टील आएगा ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप यहां तक तो लास्ट वाला कॉलम है, ये लास्ट वाला कॉलम मैं मान लेता हूँ। तो ये जो घुसा, ये कितना घुसा, ये LD घुसा अंदर में। ठीक है, तो हम लोग को जानना है एक्चुअली में यहां से यहां तक का लेंथ, तो ये कितना होगा। टोटल है 13,250 mm। ठीक है, उसमें हम इधर से 250 माइनस करेंगे, इधर से 250 माइनस करेंगे, तो हमारा लेंथ निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड। ये लेंथ कौन सा है आपका, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब दो कॉलम का विड्थ जो है वो माइनस करके जो लेंथ आएगा। तो ये कितना आएगा, 13,250 mm में 250 250 माइनस कर दोगे तो कितना होगा, 500 माइनस करना होगा ना, वही मैंने यहाँ पे देखिए लेंथ में माइनस किया है, 13,250 माइनस 500, 2 इंटू LD। LD क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। एक LD यहाँ पे है, एक LD यहाँ पे है, उसके लिए 2 इंटू LD। तो 2 इंटू LD, 2 इंटू LD मैंने यहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ है ना LD, वो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है 50D। ठीक है, वेयर D इज द डाया ऑफ द बार, तो 50 इंटू D, डाया कितना है 12, 12 बैठा दिए। अब माइनस बेंड, यहाँ पे आप देखोगे स्टील का दो बेंड है, एक बेंड यहाँ पे है, एक बेंड यहाँ पे है, और दोनों ही 90 डिग्री का बेंड है। तो पहले दो नंबर मतलब 2 लिख दिए। अब एक 90 डिग्री बेंड के लिए कितना होता है, 2D, 2D। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है 2 इंटू D, डाया कितना है 12। कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 1,3902 mm। इसका अप्रॉक्स में मैंने कर दिया है, पहले मीटर में कन्वर्ट किया तो 13.902 मीटर, अप्रॉक्स में 13.902 मीटर यहाँ पे लिखा है। जो स्टील निकला यहाँ पे 13.902 मीटर निकल गया, और हम लोग तो जानते हैं एक स्टील का लेंथ कितना होता है, 12 मीटर, मतलब ये 12 मीटर क्रॉस कर चुका है। तो हम लोग को क्या करना होगा, एक लैप डालना होगा, एक एक्स्ट्रा लैप डालना होगा, तो एड 1 लैप। ठीक है, तो लैप भी हम लोग क्या करेंगे, सेम डालेंगे 50D। ठीक है, तो ऐड कर दो, ये जो आया था 1,3902 वो लिखो, प्लस एक लैप फिर से ऐड कर दो 50D। ऐड कर दोगे तो आपका आएगा 14,502, अप्रॉक्स कर देना 14.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक सरिया जो मुझे पूरा ऐसा बैठाना होगा वो कितना लगेगा, 14.2 मीटर लगेगा। ठीक है, तो ये लैप एक्चुअली में आएगा, एक स्टील ऐसे बैठेगा, एक स्टील ऐसे बैठेगा, ये लैप आएगा। ठीक है, तो फॉर वन साइड बीम, एक साइड के लिए बीम एक्चुअली मैं देखिए क्या किया है, मैंने ये पूरा पैनल को काट के यहाँ पे उठा के बैठा दिया था ना, सेम ये ऐसा ही एक पैनल तो यहाँ पर भी है टोटल। ठीक है, ये पूरा पैनल और ये एक पैनल, पहले एक पैनल में निकाल लेते हैं। एक पैनल में ये मैं वन साइड पकड़ा हूँ, ये बोथ साइड, इसको बोथ साइड बोल रहा हूँ, मतलब ये इसको ही और इसको भी साथ में। तो एक में कितना बार है, दो बार है ना, तो दो से मल्टीप्लाई किया। फॉर वन साइड बीम, फॉर इस साइड के लिए बीम के लिए 14.5 इंटू 2, एक पूरा बार का लेंथ कितना निकला था 14.5, मेरा टोटल बार कितना है 2 है, तो 2 के लिए आ जाएगा 14.5 इंटू 2, 29 मीटर। 29 मीटर मेरा एक साइड का बीम के लिए लगेगा, इधर का बीम के लिए लगेगा। ठीक है टोटल, लेकिन अब इधर वाला भी है तो जो इधर का आया उसको मल्टीप्लाई कर दो तो और एक निकल जाएगा इधर। फॉर बोथ साइड बीम 29 इंटू 2 कर देंगे तो 58 मीटर आ जाएगा। तो इधर का टोटल और इधर का टोटल के लिए हमें टोटल कितना स्टील लगने वाला है, 58 मीटर स्टील लगने वाला है 12 डाया का, सिर्फ टॉप बार के लिए, टॉप बार के लिए। नीचे का है 10 डाया का, आप 10 का निकाल लेते हैं, तो पूरा सेम चीज है कॉन्सेप्ट। बॉटम बार, अब एक में का टाइम लग गया ना, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। बॉटम बार दो नंबर 10 डाया का, कटिंग लेंथ सेम निकाल लो, लेंथ प्लस 2 इंटू डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड। ठीक है, सेम लेंथ आ जाएगा, सेम वही वाला, सिर्फ चेंज आपका हो जाएगा ना, जो आपका डाया जहां जहां पे है, जैसे यहाँ पे डाया है, यहाँ पे डाया है, तो जहां जहां 12 था वहां वहां आपका 10 बैठ जाएगा 10 का। बस इसको कैलकुलेट करना, देखना आपका बोथ साइड का यहाँ पे आ जाएगा 56.84 मीटर। तो 12 डाया का आपको स्टील कितना लगने वाला है, 58 मीटर, और 10 डाया का स्टील कितना लगने वाला है,
56.84 मीटर। अच्छा, ये तो आपका हुआ इस साइड का वॉल और इस साइड का वॉल। आप सेम तरीके से हम लोग निकालेंगे इस साइड का वॉल और इस साइड का वॉल, ठीक है? तो वो भी मैंने यहाँ पे करके रख दिया है, ये देखिए। अब देखिए इधर का वॉल टोटल कितना है, 10 मीटर का, जिसमें ये कॉलम और ये कॉलम भी इंक्लूड है मेरा। तो ये मैंने 10 मीटर पकड़ा है, तो यहाँ पे ये कॉलम है, यहाँ पे ये कॉलम है। तो सेम जब ये वाला स्टील आप डालोगे ना, तो यहाँ पर भी सेम वही करना होगा। इस कॉलम के अंदर जो स्टील घुसेगा वो डेवलपमेंट लेंथ होगा, तो उसको अलग से पकड़ेंगे। तो हमें पहले लेंथ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब 10 मीटर में ये कॉलम माइनस होगा और ये कॉलम माइनस होगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है। देखिए पहले हम लोग टॉप बार निकालते हैं, मतलब टॉप बार मतलब वही 12 डाई का। तो कटिंग लेंथ क्या होगा, सेम फॉर्मूला। अब देखिए लेंथ की जगह जो 13 मीटर 250 में बैठाया था, यहाँ पे 10 मीटर आ गया, -500। बाकी सब चीज़ सेम हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से आप वन साइड का पहले निकाल लेना। पहले एक स्टील निकला 10.652। अब यहाँ पे देखिए ये 12 से कम है, मतलब ये 12 से कम है, मतलब मेरा एक जो फुल लेंथ का रॉड आता है उसी में ये हो जाने वाला है। तो यहाँ पे मुझे कोई लैप ही ऐड नहीं करना है, ठीक है? तो फॉर वन साइड बीम कितना होगा, ये एक का है तो एक बीम में कितना आ रहा है ऊपर में, दो, मल्टीप्लाई करोगे तो इतना। और बोथ साइड बीम के लिए फिर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इधर के लिए भी और इधर के लिए भी, तो फिर से 2 मल्टीप्लाई करो, 42.608 मीटर। तो इस साइड का जो बाउंड्री वॉल है ना, इस साइड का वॉल है, इसमें मेरा 12 डाई का स्टील कितना लगने वाला है, 42.608। इसी तरीके से आप बॉटम का निकाल लो, बॉटम में हमारा 10 mm का लगेगा, तो सेम ऊपर वाला ही सेम यूज होगा। यहाँ पे वॉल आपका 10 मीटर वाला आ जा रहा है, बस जो ऊपर जो 12 डाया यूज हुआ था ना, उसकी जगह आपका हो जाएगा 10 mm का डाया यूज, ठीक है? बस कैलकुलेट करना, आपका बोथ साइड टू बीम के लिए स्टील आ जाएगा 41.84 मीटर। क्लियर हुआ? तो ये आपका आ गया आपका स्टील बार, मेन स्टील जो लगने वाला है कॉलम में, टॉप और बॉटम में वो निकल गया। तो 12 mm का टोटल बार कितना निकला मेरा, ये ऐड करने से पता चल जाएगा, ठीक है? इसको ऐड करना होगा और इसको ऐड करना होगा, और 10 mm का कितना लगेगा, इसको ऐड करना होगा और इसको ऐड करना होगा, ठीक है? तो ये तो मेरा मेन रॉड निकला। आप सेक्शन देखोगे तो ये टाइमिंग है 250 बाई 250, ये 4 बार निकल गया। अब स्टीरअप भी तो है, स्टीरअप्स भी मुझे निकालना है। तो स्टीरअप्स मैंने यहाँ पे T8 200 सेंटर पकड़ा है, स्टीरअप्स मैंने निकाल के रख दिया है। मैं समझा देता हूँ जल्दी से, ये रहा स्टीरअप्स, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक बीम के लिए स्टीरअप निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ बीम से। नंबर ऑफ बीम कितना है यहाँ पे, 14 नंबर ऑफ बीम है। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे स्टीरअप मैं फुल लेंथ करके नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे टोटल जगह तो स्टीरअप नहीं बैठाना है, जस्ट ये बीम के पैनल में बैठाना है। ये बीम जो आ रहा है ये पैनल में, ये पैनल में, ठीक है? तो हम लोग एक बीम का निकालेंगे, मतलब एक बीम मेरा कितना है, 3 मीटर का बीम है ना, ठीक है? ये 3 मीटर का बीम है, तो इस एक 3 मीटर में मैं निकालूंगा। और टोटल बीम कितना है यहाँ पे, टोटल 14 नंबर ऑफ बीम है यहाँ पे, तो 14 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है? तो वही देखिए, फॉर वन बीम नंबर ऑफ स्टीरअप फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ बाई स्पेसिंग प्लस वन। तो लेंथ टोटल कितना है, लेंथ थोड़ा 3000 मिलीमीटर, मतलब 3 मीटर, ठीक है? 10 फीट, 3000 बाई 200। एक स्टीरअप से एक स्टीरअप के बीच का स्पेसिंग मैंने कितना पकड़ा है, 200, ठीक है? तो वही 200 प्लस 1, टोटल 16। तो एक बीम में टोटल स्टीरअप मेरा कितना आने वाला है, 16 नंबर। तो टोटल बीम कितना है, 14। तो 14 बीम में मेरा कितना स्टीरअप लगेगा, देख लो, फॉर 14 नंबर्स ऑफ बीम, नंबर ऑफ स्टीरअप 16 × 14, ठीक है? ये 16 जो है आपका नंबर ऑफ स्टीरअप हो गया एक बीम के लिए, और 14 हो गया नंबर ऑफ बीम के लिए, तो मल्टीप्लाई करोगे 224। तो यहाँ पे जितना भी बीम आप देख रहे हो ना, सब बीम में जो स्टीरअप हम लोग बैठाएंगे, वो स्टीरअप टोटल कितना आने वाला है, 224 आने वाला है। अब चलिए टोटल ये तो पता चल गया, अब हम लोग एक स्टीरअप का कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो कटिंग लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, 2 × A + 2 × B + हुक - बेंड। अब आप पूछोगे ए और बी क्या है, तो इस सेक्शन में आप देखो, ये जो सेक्शन आप देख रहे हो इसमें मेरा ये ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको ए मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक इसको बी मान लेते हैं, ठीक है? अब किसी को भी, इसको भी बी, इसको भी ये कर सकते हैं। तो मेरा बताने का कॉन्सेप्ट क्या है, ए मेरा कैसे निकलेगा, देखिए बीम का टोटल कॉन्क्रीट फेस कितना है, 250, इधर से कवर माइनस हो जाएगा, इधर से कवर माइनस हो जाएगा, तो कवर माइनस करके जो बचेगा वही मैंने यहाँ पे बैठाया है, तो ये वही मेरा हो जाएगा। तो एक्चुअली मैं क्या किया हूँ, मैं कॉलम वाला बनाया था तो उसी के हिसाब से मैं इस चीज़ में बैठा दे रहा हूँ। आप लोग जब बनाना इसको, तो जो क्लियर कवर है ना बिम में, वो पकड़ना 30 mm का। मैं यहाँ पे 40 लेके कर दिया हूँ, कॉलम का मैं स्टीली एक्चुअली उसके बाद ही ये वीडियो शूट किया था, तो उसी को लेके मैं बना दिया। आप लोग जब बिम का बनाओगे तो क्लियर कवर आप पकड़ना 30 mm,
ठीक है। और कॉलम जो लोग पकड़े थे उसमें तो 40 में मैंने पकड़ा ही था, तो मैं उसी 40 को लेके यहाँ पे बना दिया हूँ। तो आप देखोगे एक चीज़, ये ए निकालो, आपके हिसाब से कितना निकलेगा? ये 250, 250 और कवर माइनस करो 30, 30 60, तो कितना होगा? 250 में 60 माइनस कर दोगे, 60 माइनस करोगे तो 190 आएगा। लेकिन देखिए मैं ए की जगह 170 लिया हूँ, 170 कैसे, मैं एक्चुअली 40 और 40 माइनस कर दिया हूँ, ठीक है, इसलिए ये 170 आ गया है। इसी तरीके से बी निकाल लो, बी आपका ये भी 250 है, तो सेम आएगा जो ए आया था वही बी आएगा, बैठ गया। तो ए की जगह मैं यहाँ पे 170 लिया हूँ, आप लोग 190 करके कर देना, ठीक है। तो 2 इंटू ए ये हो गया। अब 2 क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ, देखिए ए कितना आएगा, एक इधर भी है और एक इधर भी है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई है। बी कितना है, एक इधर भी है, इसीलिए बी 2 से मल्टीप्लाई है। प्लस हुक, अब हुक में देखिए यहाँ पे हुक कितना है, ये हुक होता है, तो 2 हुक है यहाँ पे, तो 2 हुक के लिए ये नंबर ऑफ हुक के लिए 2 बैठाया हूँ, और एक हुक होता है 10D, तो 10 का 10, और डाया कितना है स्टीरअप का, 8, तो उसके लिए 8, ठीक है। अब माइनस बेंड देखिए, यहाँ पे टोटल बेंड कितना है, यहाँ पे टोटल 5 बेंड है, 3 90 डिग्री का है, 1 2 3, ये 3 90 डिग्री का है, और ये 2 135 डिग्री का बेंड है, ठीक है। आप लोग देखना स्टीरअप जो होगा ये ऐसे आके ऐसे होता है, ये ऐसे जाके ऐसे होता है, तो ये एक 135 डिग्री, ये एक 135 डिग्री, और ये 90 डिग्री। तो पहले हम लोग 90 डिग्री वाला पकड़ते हैं, तो 90 डिग्री कितना है, 1 2 3, 3 है ना, तो उसके लिए 3 पकड़ा नंबर ऑफ बेंड के लिए, और एक 90 डिग्री के लिए होता है 2D डिडक्शन, तो 2 इंटू D 8 है। माइनस अब 135 डिग्री यहाँ पे कितना है, 2 है, तो उसके लिए 2 लिखा हूँ, और एक 135 डिग्री के लिए होगा 3D, तो 3 इंटू 8, ठीक है। कैलकुलेट करना तो आपका आएगा 744 mm, अप्रॉक्स में 0.745 मीटर, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये आपका एक स्टीरअप का कटिंग लेंथ का ना, टोटल स्टीरअप कितना है मेरा 224 है, तो एक का इंटू 224 कर देना, तो इतना मीटर। तो टोटल स्टीरअप के लिए मुझे कितना मीटर स्टील लगने वाला है, 166.88 मीटर, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, सब तो वेट जितना भी स्टील निकाले हैं मीटर में निकाले हैं, हम लोग को केजी में चाहिए ना, दुकान जब जाओगे तो आपको केजी में स्टील बताना पड़ेगा, तो यहाँ पे वेट मैंने बताया है। तो टोटल T12 वेट इन केजी, तो 12 mm का जितना भी सरिया है वो कितना केजी का होगा, देखिए टोटल mm, टोटल पहले आप देख लो 12 mm का मेरा टोटल स्टील कितना है। अगर आप देखोगे पहला वाला ये था, इसमें 12 mm का कितना आया था, 58, और यहाँ पे साइड वाले वॉल में 42.608, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 100.608, ठीक है, इंटू 0.889 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका केजी में निकल जाएगा। अब आपके आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि 0.889 क्या है, तो ये यूनिट वेट है 12 mm डाया का। अगर 12 mm डाया का स्टील बार अगर आप 1 मीटर का काटोगे ना, और उसको जब वेट करोगे तो वो होता है 0.889 kg, तो 1 मीटर स्टील का वेट होगा अगर 0.889 kg 12 डाया का, तो टोटल कितना मीटर है, 100.608 मीटर, तो इसका कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो 89.44 kg होगा। तो आपको 12 mm डाया का स्टील कितना चाहिए, 89.44 kg। आप 10 mm का हम लोग निकाल लेते हैं, तो 10 mm देख लो, यहाँ पे 10 mm का है 56.84 और 41.84, दोनों को अगर ऐड करोगे आप का आएगा 98.68, ठीक है, मीटर। तो 10 mm का यूनिट वेट होता है 0.617, ठीक है, केजी पर मीटर, तो मल्टीप्लाई करना 60.88 kg आ जाएगा। तो 10 mm डाया का आपको कितना केजी स्टील लगेगा, 60.88। अब बात करते हैं 8 mm डाया का, तो 8 mm डाया जो स्टीरअप था मेरा वो टोटल मीटर कितना था, 166.88, ये रहा यहाँ पे निकाला था मैंने टोटल लेंथ। अब 8 mm डाया का यूनिट वेट होता है 0.395 kg, मल्टीप्लाई करना 65.917 kg आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप केजी में स्टील निकाल सकते हो। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो लंबा हुआ है उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपने ये सब स्टील ये सब नहीं देखा है, जिसमें मैंने फुटिंग का बताया था, ये जिसमें मैंने कॉलम का स्टील सारा बताया था, तो आप जाके सारा मेरा, आप मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे क्या करना, आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देखना एक ड्रीम हाउस कंस्ट्रक्शन स्टेप्स बोल के आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, उसके अंदर एवरीडे एक वीडियो अपलोड होता है, और बहुत सारा वीडियो हो चुका है, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको घर कैसे बनाना है। तो घर बनाने की स्टेज में मैं अभी भी प्लानिंग खत्म करके मैं बाउंड्री वॉल पे आया हूँ, तो बाउंड्री वॉल का मैं सब चीज़ बता रहा हूँ धीरे धीरे, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और आप लोग चाहते हो कि चैनल से कुछ भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर से जरूर, रेड बटन को दबा के बेल आइकन को दबा दीजिए, इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपसे मिस नहीं होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ लेके आने वाला हूँ, तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।